अजीब गांव है, दुनिया चांद सिरा तक पहुंच चुकी है और यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है। दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं है। सरपंच जी ने भी कोई गाड़ी नहीं भेजी। अगर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती ना तो मैं स्कूल ज्वाइन ही नहीं करती। आइए आइए मैम साहब, मैं आपको आपके रूम में लेके चलता हूँ। आप मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूँ। हाँ, और अच्छे भी इंतजार कर रहे होंगे। ये लीजिए मैम साहब, आपकी गर्मा गर्म चाय, इसे पीकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। लीजिए, ये लोग भी आ गए, बैठिए बैठिए। रीवा मैडम, ये है नीता मैडम और ये है हमारे अकाउंटेंट अंकुश जी। और नीता मैडम, ये है रीवा मैडम। आज से इन बच्चों को ये मैडम भी पढ़ाएंगी आपके साथ। मैम साहब, एक बात बोलूं, ये बच्चे हैं बड़े कमाल के। दिन भर खेतों में मजदूरी करते हैं और रात को यहाँ पढ़ने आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं आ सकते ना। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बड़ा मजा आता है। श्योर रिवा मैडम, आपको उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। वो तो आएगा, स्कूल है ही इतना बढ़िया। वो तो भला हो हमारे प्रिंसिपल सर का, सरपंच जी के साथ मिलकर इन गांव वालों को पढ़ाने का सोचा। और क्या, अगर ऐसे प्रिंसिपल साहब हमें बचपन में मिल जाते तो आज हम चपरासी नहीं होते। हाँ, हम आप लोगों की तरह बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे होते। हाँ, मगर कम से कम स्कूल की बिल्डिंग तो ढंग की होनी चाहिए ना। मेरा मतलब है कि ये जगह स्कूल जैसी तो लगती ही नहीं है। ये स्कूल है ही नहीं मैम साहब। अरे मैम साहब, जब ये स्कूल ही नहीं है तो ये जगह स्कूल की तरह कैसे लगेगी? मतलब? मेरा मतलब है मैम साहब, सरपंच साहब ने ये जगह गांव वालों को बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए दान में दे दी। वैसे सरपंच साहब ने सरकार से ये जगह अलॉट करा ली है, लेकिन वहां पर अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है। जैसे ही वो जगह तैयार होती है मैम साहब, हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट कर जाएंगे, पर देखते हैं कि रीवा हमारे साथ शिफ्ट कर पाएगी कि नहीं, या फिर वो भी दूसरे टीचर्स की तरह। दूसरे टीचर्स की तरह? मैम साहब,
क्या है कि आपसे पहले भी कुछ टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन वो नौकरी छोड़कर कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले गए। लेकिन मैम साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। भाई जाना तो पड़ेगा। क्लास में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो अपनी बुक्स निकालो। वेरी गुड बेटा, वो खिड़की खोल दो। क्या हुआ? खिड़की खोलो। लेकिन मैडम, पीहू ने खिड़की खोलने से सब मना कर रहा है, कहता है कि इसे हमेशा बंद रखा करो। ऐसा क्यों? ये पीहू भी ना। चलो अब एक एक करके मुझे अपने नाम बताओ। मेरा नाम है निधा। निधा। मेरा नाम है मुस्कान। मुस्कान। मेरा नाम है अर्शद। ओके। मेरा नाम है नाजिया। नाजिया। मेरा नाम अर्फिया है। ऐसा करिए, प्रिंसिपल साहब से परमिशन लेकर आप आराम कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए आइए आइए। ये लीजिए आपका बैग।
रीवा, अब कैसा लग रहा है? यून बता रहा था काफी थकी हुई हो। पहले बता देती तो आज तुम्हारी क्लास कैंसिल करवा देता। रीवा, तुम जो महसूस कर रही थी वैसा कुछ लग रहा है अभी क्या? अगर तुम चाहो तो घर जाकर आराम कर सकती हो। मैं यहाँ से जाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। तुम कौन हो? अरे सर, आप ये क्या कर रहे थे? ये मेरी जान लेना चाहती है, मुझे मारना चाहती है ये। क्या? मैं आपकी जान लेना चाहती हूँ? आप मेरा ग्रंथ था कि मेरी जान लेना चाहते थे, और आप कह रहे कि मैं आपकी जान लेना चाहती हूँ? बकवास बंद करो। ये डैन है, डैन किसी दूसरे औरत का रूप धारण करके मुझे मारना चाहती हो तुम? दिमाग तो ठीक है आपका, नहीं आप पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हूँ। ये डैन, डैन अब भी नौकरी से निकालता हूँ। क्या आप होश में तो हैं? मैं आपकी बातों में आके इस्तीफा नहीं दूंगी, और वो भी आपके बेटों की बातों में आकर। ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, जो चाहूँ करूंगा। जाओ यहाँ से अभी, जाओ अभी का भी। तुम लोग क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, पढ़ाई करो जाके, जाओ। होंगे आप यहाँ के प्रिंसिपल, लेकिन मुझे आपका गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं है। मुझे यहाँ से निकालने का हक आपका नहीं, स्कूल के ट्रस्टी का है, और जो यहाँ के सरपंच भी हैं। हाँ। देखिए, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को गलत फहमी हो गई एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैं, एक मिनट, देखिए, आप इतना बड़ा स्कूल अकेले चलाते हैं तो स्वाभाविक है कि मानसिक तनाव तो होगा ही, और आप इतनी लंबी यात्रा करके आ रही तो थक गई होंगी, तो जाहिर है कि ये सब आपका वहम है, इसीलिए आप एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन सरपंच जी, देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, रात बहुत हो चुकी है, आप लोगों को आराम की सख्त जरूरत है। आज आप लोग ठीक से आराम कीजिए, फिर कल देख लेते हैं। ठीक है, नमस्ते। ये लीजिए मैम साहब, ये रहा आपका कमरा। अच्छा है कमरा तो। अरे वाह, पुरानी इजी चेयर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जी मैम साहब, ये तो हमारे सरपंच जी का बड़प्पन है कि उन्होंने ये बंगला और उससे जुड़ी सारी चीजें गांव वालों के भविष्य के लिए दान कर दी।
लेकिन मैम साहब ये कमरा बहुत छोटा है। लेकिन अच्छा है, घर जैसा। जी मैम साहब। मैम साहब आप थक गई होंगी, हाँ अब आप आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो या तकलीफ हो तो आवाज दे देना। हाँ हरि नारायण जी, सुबह नाश्ते में आप मुझे अंडा और दूध दे देंगे? जी मैम साहब। और कुछ चाहिए होगा तो कल लिस्ट दे दूंगी। जी चलता हूँ। ओके। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कब? सर मैं आपसे माफी मांगने आई थी, मुझे लगता है कि थकान और टेंशन के कारण मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैंने खामखा आप पे इल्जाम लगा दिए। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। इट्स ओके, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी स्कूल के प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसमें क्या?
मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे यहाँ पर हाथ उठाना पड़ा, लेकिन आप क्या कर रहे थे? तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वरना ये टैन तो मुझे मार ही देती। मैंने कहा था ना मैंने इसे उसी वक्त स्कूल से निकाल देना चाहिए था। आज मेरे कमरे में आकर मुझे मारना चाहती है। सर ये रीवा का कमरा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने कमरे में था, मगर यहाँ कैसे आए? जरूर इसकी चाल है। ये मुझे मारना चाहती है मुझे। चाल मेरी नहीं आपकी है। आप मुझे मारने के इरादे से मेरे कमरे में आए। सर आप यहाँ इस वक्त? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए, अंदर आइए। थैंक यू। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, इट्स ओके। सरपंच जी सही कहते थे, स्कूल का सारा टेंशन लेकर मैं घूमता रहता हूँ, इसलिए मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आई एम सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया, तुम्हारे साथ जो बात की, really sorry. नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सर एक मिनट, मैं आती हूँ। वक्त पर नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही देते। मैं सब समझता हूं। ये टीचर नहीं, डैन है। डैन ये इसकी चाल है, इसका असली रूप देखना चाहते हो ना? मैं अभी दिखाता हूं, इसका असली रूप अभी दिखाता हूं। एक मिनट इधर चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी देखो इधर, आप देखो। अभी के अभी यहाँ से चले जाइए और रीवा मैडम को अकेला छोड़ दीजिए, वरना मुझे मजबूरन सरपंच जी को खबर करनी पड़ेगी। रीवा मैडम आप अपना ख्याल रखिए। ये हो क्या रहा है? ये रीवा है कौन? कहीं वो डैन और रीवा एक ही तो नहीं है? नहीं, कहीं रीवा भी मेरी तरह वो डैन की तरह सताई तो नहीं जा रही है? ये औरत मुझे बार बार मुर्दा घर की तरफ क्यों खींच रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे से बदला क्यों लेना चाहती है? मेरे तो किसी से दुश्मनी नहीं, और वो भी एक औरत के साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं वो सरपंच के पास सही तो नहीं हो रही? ज्यादा काम की वजह से मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं? मैम साहब ये रहा आपका सामान। हाँ, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, अब मैं चलता हूँ। सुनो नारायण। जी मैम साहब। क्या तुम जानते हो उस औरत को जो उस पेड़ के नीचे बैठती है? औरत पेड़ के नीचे? वहाँ कोई औरत नहीं मैम साहब, ये तो आपका भ्रम है। नहीं, ये मेरा भ्रम कैसे हो सकता है? अगर ये मेरा भ्रम होता तो मुझे ही दिखाई देती, लेकिन प्रिंसिपल सर को भी दिखाई देती है। अरे मैम साहब वो भी आपकी तरह थके हुए थे, बहुत टेंशन में थे, इसलिए उनको औरत दिखाई दे रही है।
अब मैम साहब मुझे देखो ना, मैं किसी चीज की टेंशन नहीं लेता, तो मुझे कोई वर्क नहीं दिखाई देती। नहीं, वो है और वो ही प्रिंसिपल सर की जान लेना चाहती है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं उनकी जान के पीछे पड़ी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही औरत प्रिंसिपल सर को मारना चाहती है? मारना चाहती है, लेकिन भला वो क्यों मारना चाहती है? मैम साहब, वो औरत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हें कैसे पता कि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती? इसका मतलब कि तुम जानते हो कि वो औरत कौन है। प्लीज मुझे बताओ कि वो कौन है। मैम साहब, मेरा मतलब है कि बिना जान पहचान के और आपको और प्रिंसिपल साहब को कोई भला कैसे चोट पहुंचा सकता है? मैम साहब, मुझे बहुत काम है, मैं भी निकलता हूँ। रुको, तुम सब जानते हो, मुझे सच सच बता दो ताकि हम सब इस मुसीबत से निकले। ठीक है, बताता हूँ। मैम साहब, वो पहले यहाँ कभी नहीं दिखी, लेकिन कुछ दिनों से अचानक वो उस पेड़ के नीचे दिखने लगी। मैं काफी दिन से उसे देख रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद कोई बेघर औरत है जो यहाँ चुपचाप बैठी रहती और किसी से कभी कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन उसने कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। वो रोज यहाँ उस पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। एक दिन मैंने उसे भगाने का फैसला किया। कितनी दिनों से तुझे देख रहा हूँ यहाँ पर, हैं? अरे बच्चों का स्कूल है, ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। चलो, अरे उठ ना। अरे तेरे को सुनाई नहीं देता क्या, हैं? अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ। अरे उठ, चले जाओ। अरे उठ जाओ। उस दिन के बाद मैं उस औरत के सामने कभी नहीं आया, लेकिन वो रोज वहीं बैठी रहती थी। वो कभी किसी को दिखती भी नहीं थी, लेकिन रहती वहीं थी। वो कौन है, क्या चाहती है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैम साहब, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो औरत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए बच्चों को उस पेड़ से दूर रहने को कहा है, और क्लास रूम के जिस खिड़की से वो पेड़ दिखता है वो भी खिड़की मैंने बंद रखने को कहा है। मैम साहब, मैं इतना जानता हूँ कि वो औरत जब से उस पेड़ के नीचे बैठने लगी है, तब से इस स्कूल में कोई भी टीचर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। लेकिन पहले तुमने ये क्यों कहा था कि यहाँ पे कोई औरत नहीं है और ये मेरा भ्रम है? मैम साहब, मैंने आपसे जानबूझकर झूठ बोला था। मुझे डर था कि अगर मैं उस औरत के बारे में आपको सच सच बता देता तो आप ये जॉब छोड़कर अपने शहर लौट जाते और बिना टीचर का स्कूल बंद हो जाता। आपको तो पता है, एक बार स्कूल बदनाम हो जाता कि यहाँ पर भूत है, तो इस स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आता। मैम साहब, मैंने तो सिर्फ इस स्कूल की भलाई के लिए झूठ बोला, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब। हाँ, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो वो मुझे और प्रिंसिपल सर को परेशान क्यों कर रही है? नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो वो जरूर चाहती है जिसके लिए वो सब कुछ कर रही है। बहन जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं यहाँ पर नहीं हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। देखिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रेवा के साथ कहाँ जा रहा है? सरपंच जी, मैं कह रहा हूँ ये रेवा का ही काम है। मैंने अपनी आंखों से देखा है रेवा को अंकुश के साथ जाते हुए आखिरी बार, उसके बाद उसकी लाश मिली। मेरी बात का यकीन मान। उस दिन भी जब मैं बोल रहा था तो पता नहीं आप क्या क्या बोल के मेरा बहम है, मेरी थकान है, क्या क्या बात टाल दिया। बस कीजिए, मैं आपकी बातें सुनता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेवा के बारे में कुछ भी कहते जाएं, कुछ भी इल्जाम लगाते जाएं। मैं देख रहा हूँ, जब से रेवा यहाँ आई है आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। लेकिन सरपंच, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रेवा ऐसा क्यों करेगी है?
और आप उसको वैसे ही बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करके पहले बदनाम कर चुके। मुझे नहीं पता कि आपका वहम है या क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि रेवा ऐसा नहीं कर सकती। बस सरपंच जी इतना तय है, मैं सच सामने लाकर रहूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा। नीता, तुझे मेरे साथ चलना होगा। कौन है तुम और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना, तुझे मेरे साथ चलना होगा। सरपंच जी, मैं इसके पीछे नहीं पड़ा हूं, ये हम लोगों के जान के पीछे पड़ी है। पहले अंकुश फिर नीता। बहुत हो गया, मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब भी दे सकती। अगर आपने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा ना, क्या करोगे? हां क्या करोगे? तो मैं नीता अंकुश की तरह मारोगी? यही करना चाहती हो ना? करो, बंद कीजिए आपकी ये बहस। देखिए, पुलिस पता कर रही कि ये सब किसने किया। मैं चाहता हूं आप लोग स्कूल पर ध्यान दें। आपकी आपसी लड़ाई का असर बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े। अब पुलिस अपना काम कर रही, आप लोग अपना काम कीजिए। बेकार में बात को क्यों बढ़ा रहे? लेकिन ये मेरी बात सुन, आप दोनों जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा वहम है या सच। उसी के बाद मैं कोई एक्शन ले सकता हूं, ठीक है? सरपंच जी ने ये टेस्ट की रिपोर्ट लेकर मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन वो किसी जरूरी काम से फंस गए, शायद वो आज ना आ पाए। फिलहाल मैं ही आपको बता देता हूँ, आप लोग की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, यू बोथ आर कंप्लीटली फाइन। अरे डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में कैसे कुछ हो सकता है? रिपोर्ट तो इंसानों की होती है, ये तो डैन है डैन। पहले मुझे मारना चाहती थी, बाद में नीता और अंकुश को मार डाली। बोलो 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 ना। अरे अपना जुर्म कबूल करो, ये सब ऐसा क्यों करती हो? तुमने नीता अंकुश को मारा है, कबूल करो। बोलो बोलो। सर, आप ये क्या कर रहे थे? मुझे क्या हो गया था? मैंने क्या किया? डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डालूंगा, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, जान से तुम यही ठहरो। मैं अभी सरपंच के पास जाता हूँ और बताता हूँ तुमने कैसे मुझे जान से मारने की कोशिश की हो। मैं भी बताता हूँ, रुको यहीं, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए,